चलो हेडिंग देंगे हमने अभी तक एपी को हमने कंप्लीट किया था कल की क्लास में। अरिथमेटिक मीन से हमारा एपी टॉपिक जो था कंप्लीट हो गया। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, द प्रोग्रेशन इन विच द रेशियो ऑफ एनी टू consecutive terms, ratio of any two consecutive terms are always constant is known as are always constant is known as GP, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ GP, R be the common ratio of GP, ठीक है, A be the first term and R be the common ratio of GP, ठीक है, then क्या बनेगा, A1 equal to A, A2 equal to A into R, ठीक है, क्या बना A2 इक्वल टू A इंटू आर, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, A2 अपॉन A1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R, डिवाइड करके देख लो R बन जाएगा, ठीक है, A3 इक्वल टू AR स्क्वायर, ठीक है, A3 इक्वल टू AR स्क्वायर, इनका भी रेशियो करके देखोगे तो सेम आएगा R, A4 इक्वल टू AR की पावर 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चला जा रहा है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ, A1 का मतलब A इंटू आर की पावर 1 माइनस 1, A2 का मतलब A इंटू आर की पावर 2 माइनस 1, A3 का मतलब A इंटू आर की पावर 3 माइनस 1, A4 का मतलब A इंटू आर की पावर 4 माइनस 1, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से अगर An की हम बात करेंगे तो क्या बनेगा, A इंटू आर की पावर n माइनस 1। कहने का मतलब क्या हुआ, जब 1 है तो पावर में 1 माइनस 1, जब 2 माइनस 1 3 है तो पावर में 3 माइनस 1, 4 है तो पावर में 4 माइनस 1, n रहेगा तो पावर में n माइनस 1, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू क्या बन गया, ए एन इक्वल टू बन गया ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, क्या बना, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, दिस इज द जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इस पूरे इसमें जो हमने पूरा पेज लिखा है, इस पूरे पेज में हमारे काम की जो चीज है वो यही है, फर्स्ट टर्म को अगर मैंने ए लिया, कॉमन रेशियो को अगर मैंने आर लिया, तो nth टर्म का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो
अब nth टर्म के फॉर्मूले पे बेस्ड ये है हमारा एक्सरसाइज 9.5, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्सरसाइज 9.5, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, पहले के तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। देन प्रूव दैट बी सी इक्वल टू ए डी, पैटर्न क्या कहलाएगा, ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू क्या बनेगा ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू बना ए आर की पावर 3। चार टर्म जीपी में है, कॉमन रेशियो मैंने आर ले लिया, जैसा अभी हमने किया, जो मैंने डिराइव किया उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। एल एच एस इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर आर की पावर 3। नेक्स्ट हो गया आर एच एस, आर एच एस का मतलब है ए डी, ए इंटू ए आर क्यूब, तो बना ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हो गया। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द, जैसे एपी में क्वेश्चन थे वैसे यहां पे जीपी में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी 0.03, 0.06, 0.12, .. up to 1.92. A इक्वल टू बना 0.03, मतलब 3/100, A मतलब A1, A2 का मतलब है 0.06, मतलब 6/100, तो R इक्वल टू बनेगा A2/A1, 6/100 डिवाइडेड बाय 3/100, मतलब हो गया 2। आर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3/100, ए एन की वैल्यू है 192/100, 1.92 का मतलब हुआ, तो हमारे पास बन जाएगा तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें थी, हमारे पास वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का, ये हमारे पास था एक्सरसाइज 9.5, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, तो यहां हमारे पास दिया हुआ था ए, दिया हुआ था 3/100, आर की वैल्यू हमने 2 निकाला था, ए एन की वैल्यू हमारे पास थी 1.92, मतलब 192/100, ठीक है। तो हमारे पास बना a इंटू आर की पावर n माइनस 1, दिस इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1, 192/100, ठीक है। तो बना a, a का मतलब क्या है 3/100, 2 की पावर n माइनस 1, 192/100, 100 हमारा कट गया, 3 से भी इसको कैंसिल करो, 3 6 18 और 3 4 12, क्या बना
टू की पावर एन माइनस वन इक्वल टू टू की पावर सिक्स, ठीक है, 64 मतलब 2 की पावर 6. कंपेयरिंग द पावर्स वी गेट एन माइनस वन इक्वल टू 6, मतलब एन इक्वल टू 7, ठीक है, एन इक्वल टू 7, तो यही हमारा आंसर होगा. चलो इसका मैं थर्ड क्वेश्चन भी इसका करा दे रहा हूं, ठीक है. द सेकेंड टर्म of a GP is 4 and fourth term is 64. Find its common ratio. Find its common ratio. ठीक है, तो सेकेंड टर्म यहां पे दिया हुआ है 4, तो मतलब ए टू इक्वल टू ए आर इक्वल टू 4. देखो एपी में क्या करते थे, प्लस माइनस करते थे, जिससे हमारा ए का टर्म कैंसिल होता था, वहां से डी की वैल्यू आती थी. यहां पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ए का टर्म यहां पे कैंसिल होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में. ए फोर इक्वल टू क्या बनेगा, ए आर क्यूब इक्वल टू 64. तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट ए आर क्यूब अपॉन ए आर 64 अपॉन 4, 4 16 जा ए ए कट गया, आर यहां स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब आर इक्वल टू बनेगा 4, ठीक है. और वैसे भी देखो यहाँ माइनस 4 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप से वो इंक्रीजिंग जीपी दिख रहा है ना, 4 और 64 नहीं ले भी सकते हैं, ले सकते हैं, दोनों वैल्यू ले लो, चलो दो सीरीज बच जाएगी. अच्छा फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि देखो सेकेंड टर्म हमारा प्लस 4 है, तो उसके बाद वाला क्या होगा माइनस 16, उसके बाद वाला क्या होगा हमारे पास प्लस 64, हो सकता है. तो प्लस माइनस 4 दोनों इसके आंसर हो गए. एक बार मैं आंसर भी टैली कर ले रहा हूं. अच्छा इसने सिर्फ प्लस लिया है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बट माइनस 4 भी लेने से हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है. जैसे देख लो ना, आर इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिया, चलो इसके आगे हम और एक बार और थोड़ा सा आगे सॉल्व करके देख लो, चेक कर लेते हैं माइनस 4 से क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. नहीं करेगा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. क्योंकि यहां ऐसा कुछ तो दिया नहीं कि नेगेटिव ले नहीं सकते, है ना. तो व्हेन आर इक्वल टू 4, वन इंप्लाइज ए आर इक्वल टू 4, मतलब ए इक्वल टू 1, ठीक है. तो देयरफॉर सीरीज इज, सीरीज क्या बनी, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, मतलब सीरीज हमारी बनी 1 4 16 64 डॉट डॉट डॉट, ऐसी हमारी सीरीज बन गई. व्हेन R equal to minus 4, 1 implies AR equal to 4, मतलब A equal to minus 1, ठीक है, A equal to minus 1, therefore series is A, AR, AR square, AR cube, dot dot dot, क्या बना माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 4 बन गया प्लस 4, फिर हमारे पास बनेगा माइनस 16, फिर बन जाएगा प्लस 64 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चल रहा है, ठीक है. तो मतलब जो हमारे पास जो कंडीशन है, सेकेंड टर्म 4, फोर्थ टर्म 64, मतलब माइनस 4 में भी हमारी सब चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है,
तो यहाँ पे इसलिए हम प्लस माइनस फोर हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द टेंथ टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5, 25, 125, ठीक है। बिल्कुल सेम पैटर्न है यहां भी, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। a = 5, ठीक है, फर्स्ट टर्म 5, r = 25/5, मतलब 5। तो a 10 का मतलब हो गया a (r)9, 5 × 5^9, मतलब 5^10 इसका आंसर होगा। an का मतलब हो गया a (r)(n-1), मतलब 5 × 5^(n-1), मतलब क्या हो गया 5^n, ठीक है। मैं इसका भी आंसर एक बार जरा टैली कर ले रहा हूं, यही होगा 5^10 एंड 5^n, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें टोटल तीन क्वेश्चन है तो मैं दो क्वेश्चन कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड बता रहा हूं, सेकंड तुम लोग कर लेना। फाइंड द नाइन्थ टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज 1√3, 3, 3√3, ये हमारे पास दिया हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग a = बन गया 1, r का मतलब क्या बना √3 √3/1, तो a 9 का मतलब हो गया a (r)(9-1), मतलब 1√3/8, मतलब 3/4, मतलब 81। ये हो गया हमारा नाइन्थ टर्म, ठीक है, ये हो गया हमारा नाइन्थ टर्म, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ क्या करना है, इसका nth टर्म भी निकालना है। a n = a(r)(n-1), 1√3/(n-1), 3^(n-1/2), ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 81 है दूसरा, 3^(n-1/2), ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री,
इन अ जीपी, थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म is 192. Find the 10th term. So third term yahan diya hua hai 24, matlab A3 equal to 24, मतलब कंडीशन हो गई A into R square equal to 24. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन. नेक्स्ट है A6 equal to 192. A into R की पावर 5 equal to 192. इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन. A R की पावर 5, A R की पावर 2, 192 अपॉन 24. A A कट गया, यहां पर पावर 3 भी कट गया. 24 के हिसाब से जाएगा क्या? चलो पहले ऐसे काट लो, 12 से जा सकता है. 12 1 12, हाँ 12 2 12 1 12 12 6 18 12 6 72. तो 2 8 तो बना आर क्यू इक्वल टू 8, मतलब आर इक्वल टू हो गया हमारा 2. ठीक है, आर इक्वल टू बन गया 2. अब अगर मान लो आर इक्वल टू 2 हमारा हो रहा है, तो उसके हिसाब से 10th टर्म की हम वैल्यू निकालेंगे. तो पहले किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू निकालते हैं. वन इंप्लाइज a इक्वल टू 24 अपॉन r स्क्वायर, 24 अपॉन 4, a इक्वल टू हो गया 6. ठीक है, तो देयरफॉर a 10 इक्वल टू a इनटू r की पावर 9, 6 into 2 की पावर 9, 6 into 512, 6 2s are 12, 6 1s are 6 plus 1 7, 6 5s are 30. तो आंसर होगा 3072. ठीक है, 3072. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो. ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द सीरीज whose nth term is 3 की पावर n माइनस 1, is it a GP? Find its 6th term. मतलब पहले तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ये जीपी में है या फिर नहीं है. ठीक है, अगर ये जीपी में है, ठीक है, अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब इनका जो कॉमन रेशियो होगा वो सेम होगा. ठीक है, अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब इनका जो कॉमन रेशियो होगा कांस्टेंट होगा. तो सबसे पहला काम, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू दिया है 3 की पावर एन माइनस 1.
ए वन बन जाएगा थ्री की पावर वन माइनस वन, ये माइनस वन बीच में, तो बनेगा हमारे पास मतलब टू, ए टू बन गया नाइन माइनस वन मतलब एट, ए थ्री बन गया थ्री की पावर थ्री माइनस वन ट्वेंटी सेवन माइनस वन ट्वेंटी सिक्स, ए फोर बन गया थ्री की पावर फोर माइनस वन एटी वन माइनस वन एटी, ए फाइव बन गया थ्री की पावर फाइव माइनस वन मतलब टू फोर्टी थ्री माइनस वन टू फोर्टी टू, ए सिक्स बन गया थ्री की पावर सिक्स माइनस वन तो मतलब 243 into 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 2s are 6 plus 1, 7. तो बन गया 729 minus 1 मतलब 728. तो रेशियो तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं आ रहा, ठीक है? रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा मतलब ये हमारा जीपी नहीं बन पाएगा, ठीक है? एक बार मैं आंसर भी टैली कर लूं, हाँ बिल्कुल नो, और सीरीज दिया है टू एट ट्वेंटी सिक्स, उसके बाद डॉट डॉट कर दिया एंड हमारा जो सिक्स्थ टर्म है ये 728 है, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो मतलब This is not in GP. ठीक है, तो ये जो है ये हमारा GP नहीं बन पा रहा, ठीक है? क्यों? क्योंकि रेशियो यहाँ पे डिफरेंट है. पहले वाले में देखोगे तो रेशियो 3 है, दूसरे वाले में बन जाएगा 13/4, तीसरे वाले में 40/13, मतलब सब अलग अलग रेशियो आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये हमारा GP नहीं बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव में, तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फाइव का वन, विच टर्म ऑफ जीपी इज माइनस ट्वेल्व एट डॉट 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 512 अपॉन 729, ठीक है? मतलब इस जीपी का कौन सा टर्म होगा जो कि 512 अपॉन 729 के इक्वल है? ए इक्वल टू माइनस 12, आर इक्वल टू एट अपॉन माइनस 12 मतलब माइनस 2/3, ए एन की वैल्यू है 512 अपॉन 729 मतलब ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन 512 अपॉन 729, तो ए की वैल्यू और आर की वैल्यू को हम पुट करेंगे, बनेगा माइनस 12 माइनस 2/3 पावर एन माइनस 1 512 अपॉन 729, ठीक है? तो 2 6 2 256, ठीक है? फिर से आया 2 3 128, तो बनेगा माइनस को उधर लेके चले जाते हैं, माइनस 2/3 पावर एन माइनस वन
माइनस ऑफ 128, इसकी वैल्यू क्या हो गई 3 की पावर 6, और एक और 3 आ गया, ये बन गया 3 की पावर 7। ओवरऑल क्या बना माइनस 2/3 की पावर 7, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 7 होता है 128, तो मतलब बना n माइनस 1 इक्वल टू 7, मतलब n इक्वल टू 8। तो इस सीरीज का 8th टर्म जो होगा वो बना 512 अपॉन 729। एक बार जरा इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। फर्स्ट टर्म दिया हुआ था माइनस 12, सेकेंड टर्म था 8, तो यहां से मैंने कॉमन रेशियो निकाला जो कि माइनस 2/3 के इक्वल है। nth टर्म मैंने अज्यूम किया, मतलब लास्ट टर्म दिया है 512 अपॉन 729, तो बना 512 अपॉन 729, तो इसके हिसाब से हो गया a into r की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 512 अपॉन 729। a की जगह रखेंगे माइनस 12 इंटू माइनस 2/3 की पावर n माइनस 1, दिस इक्वल टू बना 128 अपॉन 729। सॉल्व करने से आ गया n इक्वल टू 8, ठीक है। तो 5 में टोटल 3 क्वेश्चन है, अब इसके बाद मैं इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, सेकेंड वाला तुम लोग कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, सेम पैटर्न है बिल्कुल। विच टर्म ऑफ जीपी रूट टू 1/√2, 1/2√2, 1/4√2 dot 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 is 1/512√, ठीक है। a इक्वल टू बन गया रूट टू, r इक्वल टू बना 1/√2 अपॉन रूट टू, a टू अपॉन a वन, तो बना 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/2, ठीक है। तो r की वैल्यू हो गई 1/2, a की वैल्यू हो गई रूट टू, a n हमारा दिया हुआ है 1/512√2, तो हमारे पास बन जाएगा a into r की पावर n माइनस 1, 1/512√2, तो a की जगह हो गया रूट टू into 1/2 की पावर n माइनस 1, 1/512√2, तो बन गया 1/2 की पावर n माइनस 1, 1/512। अब ये वाला रूट टू नीचे आ गया, तो ये बन गया रूट टू का स्क्वायर, 1/2 पावर n माइनस 1, यहाँ पे ओवरऑल बना 1024, मतलब 1/2 की पावर 10, n माइनस 1 इक्वल टू 10, n माइनस 1 इक्वल टू 10, मतलब बन गया n इक्वल टू 11, ठीक है। तो n इक्वल टू 11 हमारा आंसर, ठीक है, n इक्वल टू 11 हमारा आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हमारा और हो जाएगा, ठीक है, बस यहीं पे हम क्लास को ओवर करेंगे इसी मीटिंग के बाद में, ठीक है, एक ही क्लास ले रहा हूं आज, दो क्लास नहीं लूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 5, 10, 20 डॉट डॉट एंड 1, 2, 8, 0, 6, 4, 0, ... थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा।
फर्स्ट वाली एपी का फर्स्ट टर्म ए वन कॉमन रेशियो आर वन, तो बन गया ए वन इक्वल टू फाइव आर वन इक्वल टू टू, ए टू इक्वल टू वन टू एट जीरो आर टू इक्वल टू वन बाय टू, ठीक है। तो बना फाइव इंटू टू की पावर एन माइनस वन, वन टू एट जीरो इंटू वन अपॉन टू की पावर एन माइनस वन, तो हमारे पास हो गया फाइव से चला जाएगा, फाइव टू जा टेन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, थ्री और जीरो फाइव सिक्स जा थर्टी, तो बनेगा हमारे पास टू की पावर, ये इधर आ गया तो मतलब पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो टू इंटू एन माइनस वन इक्वल टू टू की पावर कितना हो गया, टू की पावर हो गया एट, टू इंटू एन माइनस वन इक्वल टू एट, एन माइनस वन इक्वल टू फोर, मतलब एन इक्वल टू